आप सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा उपविषय रहेगा वो रहेगा लाख की चूड़ियां। इसी पर हम आज चर्चा परिचर्चा करेंगे और इसमें जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं और जो अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर हैं और इसके अतिरिक्त जो लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर है उन्हीं पर हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम करते हैं प्रश्न नंबर एक। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? तो यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जो इसका जवाब बनेगा वो क्या बनेगा जान लीजिएगा। लेखक के मन में जो हिस्सेदार साहब है उसके लिए जो श्रद्धा जागी थी वो इसलिए जागी क्योंकि बस की जो स्थिति है, बस की स्थिति को लेखक भलीभांति पूर्वक जानता था। उसके बाद बस के विषय में जो लेखक है वो अच्छे से परिचित था, लेकिन फिर भी उसने अपनी जान हथेली पर रखकर बस में यात्रा की और बलिदान और त्याग की ऐसी भावना कहीं और नहीं मिलती, ये लेखक ने दिखाया है। यही कारण है कि लेखक के मन में हिस्सेदार के प्रति जो श्रद्धा भाव है वो जाग गई थी। आगे है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफर नहीं करते, लोगों ने बस में यात्रा न करने की सलाह लेखक और उसके मित्रों को इसलिए दी थी क्योंकि जो बस है बस बहुत ही पुरानी थी और उसके जो टायर है टायरों की स्थिति भी काफी नाजुक हो चुकी थी और जब भी उसे स्टार्ट करते तो वो डगमगाती रहती थी। उस बस का कोई भरोसा नहीं था कि कब वो चलते चलते रुक जाए, कब उसका स्टीयरिंग टूट जाए, कब ब्रेक काम करने छोड़ दे। ये इस तरह से ये सभी बातें जो लोगों के पास पहले से ही इन सभी बातों का अनुभव था वो बस के हालात के बारे में, बस की स्थिति के बारे में अच्छे से परिचित थे। और कुछ लोग तो इस शाम वाली बस को किस नाम से पुकारा करते थे, डाकिन कहकर पुकारा करते थे, डाकिन। ठीक है, और इन्हीं कारणों के कारण कोई भी जो व्यक्ति है वो इस शाम वाली बस में यात्रा करना पसंद नहीं करता था और न ही जो लोग थे वो जो आसपास के लोग थे वो भी इस शाम वाली बस में यात्रा करने की सलाह नहीं देते थे। ठीक है, तीसरे प्रश्न पर आ जाइए। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? जब लेखक बस के अंदर बैठा ना तो उसको कुछ देर बाद उसके जब लेखक बस के अंदर बैठा तो उसके कुछ देर बाद ही इंजन चालू हो गया और उसे ऐसा लगा कि मानो सारी बस ही इंजन के समान धक धक हिलने डुलने लगी है। इस तरह से वह सोचने पर मजबूर हो गया, विवश हो गया और वह बस में बैठा था या इंजन के अंदर बैठा था, उसे ऐसा लग रहा था कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं बस के अंदर बैठा हूँ या इंजन के अंदर बैठा हूँ और सारी जो बस है वो पूरी की पूरी जो बस है वो लड़खड़ा रही थी, जो उसकी सोच को पूर्णतः किसकी लेखक की सोच को पूरी तरह से सच कर रही थी। ठीक है, आगे है चौथे प्रश्न पर देखिए, चौथे प्रश्न को देखिए। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? जब लेखक ने हिस्सेदार की बात सुनी तो उसने अपने तो ये जो बस है उसने बताया कि ये जो बस है ये अपने आप ही चलेगी और ये बात सुनकर वो बहुत ही हैरान हुआ क्योंकि वो जो बस थी वो बहुत ही पुरानी थी और उस बस को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि ये सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए है और उसका जो कल पुर्जा था वो कल पुर्जा यानी कि एक एक पुर्जा बस का हिल रहा था, डगमगा रहा था।
ठीक है। और इस स्थिति को देखकर लेखक को हैरानी हुई, कैसी हैरानी हुई कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, ये बात लेखक ने कही है। ठीक है, किसके संदर्भ में कही है? बस के संदर्भ में। आगे है पांचवा, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक को पेड़ से डर क्यों लग रहा था? लेखक को पेड़ से डर इसलिए लग रहा था क्योंकि उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि न जाने कब कौन सा पेड़ बस से आकर टकरा जाए, या जो बस है बस पेड़ से जाकर टकरा ना जाए। ये सभी बातें सोचकर लेखक अपने मन में डर पैदा कर रहा था, यानी कि मन ही मन डर रहा था। ठीक है, आगे चलिए, जो ये है ना आठ से आगे, ये अति महत्वपूर्ण है, इसमें ये एसएस में भी काम आएंगे आपके, एक बार इसके विषय में समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा। स्वयंवज्ञ आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से, कब हुआ था, इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर बताइए। स्वयंवज्ञ आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, ये आप सभी को पता है। और ये जो आंदोलन हुआ ये सन 1930 में डांडी मार्च की जब यात्रा हुई थी तो उस समय ये आंदोलन शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा, और इसका जो प्रथम चरण है 1931 में समाप्त हुआ था, और इसका जो दूसरा चरण है सन 1934 में हुआ था। और इस तरह से अंग्रेजी सरकार भारतीय जनता पर बहुत ही अत्याचार कर रही थी, इस अत्याचार से जनता अत्यंत ही पीड़ित दुखी थी। और 1919 में एक नया अधिनियम पास हुआ जिसमें जनता को शासन में कोई स्थान न मिला, और इस बात से भारतीय जनता के मन में बहुत ही क्रोध भर गया। और असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद अंग्रेजों द्वारा ऐसे कानून और अधिनियम पास किए गए जो भारतीय जनता व उसके हितों के लिए बिल्कुल ही अनुचित और हित विरोधी थे। इस प्रकार के कानूनों का विरोध करना भारतीय जनता के द्वारा स्वाभाविक था। और सन 1927 में साइमन कमीशन जब भारत आया तो इस कमीशन का काम यह था कि भारतीयों को क्या अधिकार देने चाहिए और कौन से अधिकार नहीं देने चाहिए, इस साइमन कमीशन का यही काम था। और भारतीय जनता व नेताओं ने इस कमीशन का पूरी तरह से विरोध किया, और इस तरह से इसमें कोई भारतीय सदस्य भी नहीं था, इस साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य भी नहीं था। और 1929 ईस्वी में कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूरी तरह से इस प्रस्ताव को पास किया जिसमें देश का पूरा वातावरण अंग्रेजी सरकार के विरोध में सामने उतर गया। और महात्मा गांधी ने ऐसे वातावरण को ध्यान में रखते हुए स्वयंवज्ञ आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है भाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एसएस में भी काम आएगा ये। ठीक है, आगे है दूसरा, इसमें से दूसरा भी अति महत्वपूर्ण है, स्वयंवज्ञ का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया, लिखिए। सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिएगा, जो ये व्यंग्यकार शब्द है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, ये लेखक के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्योंकि लेखक ने व्यंग्य किया है इस अध्याय में, देखिए इसका जवाब जानिए। जो ये स्वयंवज्ञ आंदोलन है, जो व्यंग्यकार है लेखक, व्यंग्यकार लेखक ने बड़े ही अनोखे और आकर्षक ढंग से इसको प्रस्तुत किया है। लेखक ने इस अध्याय के माध्यम से किस पर व्यंग्य किया, बस पर व्यंग्य करते हुए या टिप्पणी करते हुए उन्होंने बताया है कि ये जो बस है, बस सचमुच चल पड़े और उसे लगा कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन और स्वयंवज्ञ आंदोलन के समय अवश्य ही ये जो बस है ये जवान रही होगी। ठीक है, अब उसे पूरी तरह से प्रशिक्षण मिल चुका, यानी कि इसको पूरी तरह से ट्रेनिंग मिल चुकी है, और बस का प्रत्येक हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा, यानी कि उसका साथ नहीं दे रहा। असहयोग का मतलब क्या होता है? साथ ना देना। ठीक है, बस पूरी बस स्वयंवज्ञ आंदोलन के समय से गुजर चुकी थी और सीट का शरीर से असहयोग चल रहा था, यानी कि जिधर जो सीट थी उस पर अगर बैठे तो वो पूरी तरह से कंफर्टेबल सीट नहीं थी।
और कभी तो ऐसा लगता कि सीट शरीर को छोड़कर आगे निकल गई है, और कभी ऐसा लगता कि जो सीट है बस की जो सीट है वो शरीर को छोड़कर पीछे पीछे चली गई है। और इस प्रकार से कभी लगता कि सीट को छोड़कर शरीर आगे तो कभी पीछे है। ये गतिविधियां उस बस में बैठने वाले प्रत्येक यात्री के साथ चल रही थी, हो रही थी। और इस तरह से ये कुछ देर चलने पर सारे के सारे भेदभाव को खत्म कर देते थे। ठीक है, तो ये दो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आप इसमें चलिए, क्या नाम है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है या अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उनमें आ जाइए अध्याय में। सर्वप्रथम जो बस की यात्रा, पाठ के लेखक कौन है? इस बस की यात्रा, बस की यात्रा पाठ के लेखक है हरिशंकर परसाई जी, व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, दूसरा है कितने मित्रों ने बस में से जाने का निश्चय किया था? कितने मित्रों ने बस से जाने का निश्चय किया था? 5 मित्रों ने। आगे है शाम के, उन्होंने शाम के कितने बजे की बस से जाना तय किया? 4 बजे। जो बस 4 बजे जाती है उसी बस से जाने को वो उन्होंने अपना मन बनाया। ठीक है, आगे है पन्ना से इसी कंपनी की बस कहाँ के लिए चलती है? ये जो पन्ना से इसी कंपनी की बस कहाँ के लिए चलती थी? पटना के लिए। अध्याय में भी हम कर चुके हैं पटना के लिए। आगे है कि लोगों के अनुसार समझदार लोग किस समय की बस से यात्रा नहीं करते? सुबह की, दोपहर की या शाम वाले? सुबह की, दोपहर की या शाम वाले? शाम वाले बस से यात्रा नहीं करते। कौन सी बस से यात्रा नहीं करते? शाम वाली बस से। फिर है जो बस थी वो बस कैसी दिखाई दे रही थी? नई नवेली दिखाई दे रही थी, प्रौढ दिखाई दे रही थी, या जवान दिखाई दे रही थी, या वयोवृद्ध दिखाई दे रही थी? जो बस है वो कैसी दिखाई दे रही थी? वयोवृद्ध। ठीक है, बहुत ही बूढ़ी। आगे है बस हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, यह कथन किस मित्र का है? ये जो कथन था ये किसका था? डॉक्टर का। फिर 9वां प्रश्न है बस का हर हिस्सा एक दूसरे से क्या कर रहा था? असहयोग, यानी कि वो एक दूसरे हिस्से का साथ नहीं दे रहा था। फिर आगे है बस क्यों रुक गई होगी? बस इसीलिए रुकी क्योंकि बस के जो पेट्रोल की टंकी थी, पेट्रोल की टंकी में क्या था? छेद हो गया था। ठीक है, इसलिए बस रुक गई और जो पेट्रोल है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। आगे है कंपनी के हिस्सेदार के अनुसार बस कौन सी क्लास की लग रही थी? फर्स्ट क्लास की बस लग रही थी। कंपनी के हिस्सेदार के अनुसार बस फर्स्ट क्लास की लग रही थी। आगे है अक्षीण चांदनी में वृक्षों के नीचे खड़ी बस किस जैसी लग रही थी? अक्षीण चांदनी में वृक्षों के नीचे खड़ी बस वृदा के अनुसार वृदा जैसी लग रही थी। आगे है एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही बस के साथ क्या हुआ? एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही बस का जो टायर है वो टायर फट गया था। फिर है अब उन्होंने कहां वक्त पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी? पन्ना में, पन्ना नामक जो जगह है वहां पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। फिर आगे है कि वे बस में बड़े इत्मीनान से किस तरह बैठ गए थे? बस में वे बड़े इत्मीनान से घर जाने के लिए बैठ गए थे। इत्मीनान क्या होता है? इत्मीनान का मतलब होता है बेफिक्र होना, निश्चिंत होकर बैठ जाना, उर्दू शब्द है। चलिए आगे, बस का टायर कहां फिस हो गया था? पुलिया पर। बस का टायर कहां फिस हो गया था? पुलिया पर। अंतिम प्रश्न देखिए, बियावान में किसकी अंत्येष्टि की संभावना की जा रही थी? बियावान में वृदा बस की अंत्येष्टि की संभावना लगाई जा रही थी। ठीक है, अब इसमें से जो मैंने फाइंड आउट के लिए आपको दिए थे
और मैंने जो फाइंड आउट किए हैं, पहले आप जो मैंने फाइंड आउट किए हैं वो प्रश्न देखिए जो परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम यह बस पूजा के योग्य थी, इस पंक्ति का आशय क्या है? लेखक ने ये जो पंक्ति कही है इसमें व्यंग्य भाव छिपा हुआ है। इसके माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि बस बहुत ही पुरानी हो चुकी थी और उसके जो टायर है वो घिस चुके थे। इंजन चालू होते ही पूरी बस लड़खड़ाने लगती थी और यात्रा में बस में कोई भी खराबी हो सकती थी। अतः इतनी खराब और बेकार बस यात्रा के लिए नहीं होती, बल्कि इतनी खराब और बेकार बस पूजा के योग्य होती है। इसलिए लेखक ने ये जो पंक्ति है ये कही है। ठीक है भाई, आगे चलिए दूसरा प्रश्न देखिए जो परीक्षा उपयोगी हो सकता है, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण हो सकता है। लेखक के किस मित्र ने उन्हें बस में चलने के लिए कहा और उसके लिए क्या क्या तर्क दिए? जब लेखक और उसके कुछ मित्र बस में जाने की टाल मटोल कर रहे थे तब लेखक के डॉक्टर मित्र ने बस में चलने के लिए कहा, डरो मत, चलो, यह बस नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वास के योग्य है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी और हमें अपनी मंजिल तक अवश्य ही आरामदायक पहुंचा देगी। ठीक है, ये बात किसने कही थी? डॉक्टर ने कही थी, लेखक का मित्र थे डॉक्टर जी। आगे है, लेखक ने कौन से दो आंदोलनों की चर्चा बस के संदर्भ में की है? इस अध्याय में लेखक ने दो आंदोलनों की चर्चा बस के संदर्भ में कही है। ये कौन कौन से है? एक तो है असहयोग और दूसरा है सविनय आंदोलन। ठीक है, इनसे आप अच्छे से परिचित हो ही, मैंने आपको ये पहले भी बताए हैं। इनका जो आंसर है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, आगे चलिए। लेखक के मन में बस के बारे में क्या विचार चल रहे थे? लेखक के मन में बस के बारे में तरह तरह के विचार चल रहे थे। इसे अब बस के किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। वह सोचता था कि जो बस है उसका कोई पता नहीं कि कब इसके ब्रेक फेल हो जाए, कब इसका स्टीयरिंग टूट जाए और कब ये जो बस है ये पेड़ से जा टकराए। इस प्रकार के जो विचार हैं वो लेखक के मन में लगातार गतिविधि कर रहे थे। ठीक है, आगे चलिए। निकल जाओ बेटी, अपनी उम्र ही नहीं रही, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये परीक्षा उपयोगी जो ये प्रश्न है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने व्यंग्य किया है और व्यंग्य किस पर किया है? बस पर व्यंग्य किया है। लेखक कहना चाहता है कि बस बहुत ही पुरानी है, बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है, अब उसे तेज गति से नहीं चला जाता और चलते चलते वो जो बस है वो अक्सर थक जाती है। इसलिए पीछे से जो गाड़ी आती है उन गाड़ियों को साइड देकर ये जो बस है ये वयोवृद्ध बस ये उन्हें बोलती है कि निकल जाओ बेटी, अब अपनी वह उम्र ही नहीं रही, क्योंकि ये जो बस है ये बाकी गाड़ियों की बराबरी नहीं कर सकती थी, उतनी स्पीड से ये चल नहीं सकती थी क्योंकि बहुत ही पुरानी बस थी। ठीक है, कभी भी खराब हो सकती थी, कभी भी उसके ब्रेक फेल हो सकते थे, कभी भी स्टीयरिंग टूट सकता था, वो धीमे धीमे चलती थी। ठीक है, आगे चलिए। लेखक का मन किसके प्रति श्रद्धा से भर गया? लेखक का मन बस की कमजोर स्थिति को देखकर श्रद्धा से उमड़ पड़ा। ये जो बस है ये बस बहुत ही वयोवृद्ध दिखाई दे रही थी लेखक को और ये जो बस है ये सदियों के अनुभव के जो निशान है वो लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे क्योंकि बुढ़ापे में इसे कोई भी कष्ट नहीं देना चाहता, बुढ़ापे में इसका कोई भी भरोसा नहीं था कि कब ये इसके ब्रेक फेल हो जाए, कब इसका स्टीयरिंग टूट जाए, कब ये पेड़ से टकरा जाए, और इसका कोई भरोसा नहीं था कि ये लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएगी भी नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, आगे चलिए। लोग बस को डाकिन क्यों कहते थे? ये जो प्रश्न है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोग बस को डाकिन इसलिए कहते थे क्योंकि बस बहुत पुरानी हो गई थी,
और वो खराब हो चुकी थी और इसका कोई अता पता नहीं था। बस का हॉर्न को छोड़कर बाकी सब बजता था और बस के टायर पूरी तरह से घिस चुके थे। ये भरोसा नहीं था कब बस के टायर में फंक्चर हो जाए या फट जाए, और इंजन भगवान भरोसे चल रहा था। आगे चलिए, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि लोग उसे बस तक छोड़ने आए, वो उसे अंतिम विदा दे रहे थे। बस की जो कमजोर स्थिति को देखते देखते लेखक और उसके मित्रों को छोड़ने आए लोग इस तरह से देख रहे थे जैसे ये इनकी अंतिम विदाई हो। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, जो इस संसार में आया है वो जाएगा भी, चाहे राजा हो या रंक हो या फिर फकीर हो। जिसने इस संसार में जन्म लिया है वो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। ये लोग उन्हें उन लेखक और उसके मित्रों को देखकर ऐसी बातें बोल रहे थे। आगे चलिए, सीट के नीचे इंजन है, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का जो आशय है वो ये है कि इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया था, ऐसा जैसे सारी बस इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे लेखक और उसके मित्रों को बचना था, और लेखक और उसके साथी उसी पल खिड़की से दूर हट गए। इंजन चल रहा था, उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनकी सीट के नीचे इंजन है। ठीक है, आगे चलिए, चांदनी वृक्षों की छाया में बस कैसी लग रही थी, लेखक को बस को देखकर क्या हो रहा था। अक्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे जो बस है, बस बहुत ही कमजोर नजर आ रही थी, बड़ी दयनीय स्थिति नजर आ रही थी बस की, और ऐसा लगता था जैसे कोई वृद्धा थककर पेड़ के नीचे बैठ गई हो, और लेखक को उसे देखकर गलानी हो रही थी, और वो बेचारी लेखक उस बेचारी पर लद कर चले जा रहे थे। अगर इसका प्राणांत हो गया होता तो इस सुनसान बियाबान जंगल में इसकी अंत्येष्टि अवश्य ही करनी पड़ती। आगे चलिए, बस की रफ्तार कुछ बढ़ने पर लेखक को क्या लगने लगा। बस की रफ्तार जब 15-20 मील हो गई तो लेखक को लगने लगा कि सारी की सारी बस किसी समय भी खत्म हो सकती है, नष्ट हो सकती है, इसकी किसी भी समय ब्रेक फेल हो सकती है, स्टीयरिंग टूट सकता है, और स्टीयरिंग जो टूट कर है वो हाथ में आ सकता है, और जब स्टीयरिंग टूट जाएगा तो ये जो बस है ये पेड़ से जा टकराएगी। ठीक है, आगे चलिए, लेखक को प्रकृति के दृश्य लुभावने क्यों नहीं लग रहे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेखक ने जब बस की स्थिति को देखा तो वो बहुत ही दयनीय स्थिति नजर आई, और इस तरह से इस जर्जर दशा को देखकर, बस की इस जर्जर दशा को देखकर लेखक बड़े व्याकुल हो रहे थे, इसलिए उसे प्रकृति के दृश्य लुभावने नहीं लग रहे थे। लेखक सड़क के दोनों किनारों पर खड़े पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों दुश्मन समझ रहा था लेखक? क्योंकि लेखक को बस का कोई भरोसा नहीं था कि कब उसके ब्रेक फेल हो जाए, कब स्टीयरिंग टूट के हाथ में आ जाए, और इस तरह से जो सड़क के किनारे दोनों साइड दोनों तरफ जो पेड़ है कि बस का कोई भरोसा नहीं, इस तरह से ब्रेक फेल होते ही या स्टीयरिंग टूटते ही ये जो दोनों तरफ पेड़ खड़े हैं इनसे बस कभी भी टकरा सकती है। ठीक है, आगे चलिए, पुलिया पर पहुंचते ही बस के साथ क्या हुआ। पुलिया के ऊपर जैसे ही बस पहुंची तो बस का एक टायर हिस हो गया और बस जोर से हिलकर जम गई, वहीं पर रुक गई, और तेज गति में होती तो शायद वो जो बस है वो किसमें जा गिरती, नाले में जा गिरती। ठीक है, आगे चलिए, लेखक ने पहली बार श्रद्धा भाव से किसे देखा और क्यों क्या सोचने लगा। लेखक ने बस कंपनी के हिस्सेदार को पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक सोचने लगा कि वह टायरों की हालात को अच्छी तरह जानता था, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में स्वयं भी यात्रा कर रहा था और दूसरों को भी यात्रा करने के लिए प्रेरित कर रहा था। ठीक है, चलिए, लेखक के अनुसार देवता किसका हाथ पसारे इंतजार करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न है।
इस अध्याय से, ठीक है। लेखक बस के हिस्सेदार की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि इसे किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। किसको क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था? उस बस के हिस्सेदार को। यदि बस नाले में गिर जाती तो बस के सभी यात्री मारे जाते और देवता बाएं पसारे इंतजार करते बस के हिस्सेदार का और कहते, वह मान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, स्वयं तो मरा ही और दूसरों को भी उसने मार डाला, ठीक है। इस प्रकार से वह टायरों की जो स्थिति है, टायरों की स्थिति को अच्छे से जानता था, मानता था, लेकिन उसे ज्ञान था, बस का पूरा ज्ञान था, फिर भी वो उस कमजोर और दयनीय बस को, क्या उस कमजोर और जर्जर बस को सर क्या कर रहा था, चला रहा था और उसे धनोपार्जन कर रहा था, ठीक है। तो ये जो अध्याय था आपका, ये पूर्णतः समाप्त हो चुका है। इसमें जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है या जो परीक्षा उपयोगी जो अन्य प्रश्न है और अभ्यास के, ये सभी हम कर चुके हैं। आप में से किसी भी विद्यार्थी को अगर कुछ भी पूछना है इस अध्याय से संबंधित तो पूछ सकते हो। सांची बताइए, सांची बोलिए बेटा। आकाश सर, आकाश सर, आकाश सर, हाँ संची बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर मेरी ना जो आपने आज क्वेश्चन आंसर्स बताए होंगे तो वो आप बताए होंगे, नहीं बताए हैं, होंगे का क्या मतलब, होंगे का क्या मतलब हो गया बेटे, बताए हैं अभी सर, क्योंकि क्लास कनेक्ट ही नहीं हुई थी, जैसे ही मैं वो कनेक्ट करती तो नेटवर्क इश्यूज की वजह से वो हर बार ही डिस्कनेक्ट हो जाती। चलो कोई नहीं, बोलिए आप आगे बोलो। तो आप वो क्वेश्चन